2-3 महीने पहले मैं सुपर ट्रेंड पे बहुत सारे बैक टेस्ट कर रहा था, और उसमें एक मुझे स्ट्रेटेजी दिखी थी निफ्टी पे, जो कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 83% विन रेट के साथ चल रही थी, वो भी 1:1.4 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। नॉर्मली आप देखोगे जो स्ट्रेटेजी का विन रेट ज़्यादा होता है उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही खराब होता है, तो ये 83% विन रेट पे 1:1.4 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ चल रही थी, तो इट वॉज अमेजिंग। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी को देखा था, तो मैंने 2 महीने पहले मेरे फ्री वेबिनार में, जो मेरे वेबसाइट पे होता है, उसमें बहुत सारे लोगों के, ऑलमोस्ट 5000 लोगों के साथ ये वेबिनार में शेयर किया था ये स्ट्रेटेजी को। तो अब मैं सोचा कि उसके रिकॉर्डिंग्स को मेरे पास पड़ी थी, तो आप लोग के साथ यहाँ पे यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ। तो वीडियो में आप उसको पूरा देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि कैसा लगा। वेस्टिंग मच टाइम, हम सीधा आ जाते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली क्या है। तो स्ट्रेटेजी में हमें एक इंडिकेटर यूज करना है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। आपने सुना ही होगा, नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बता दूंगा ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है क्या। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ATR बेस्ड इंडिकेटर है। ATR क्या होता है? एवरेज ट्रू रेंज। तो उस वक्त मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से जो एवरेज ट्रू रेंज होता है उसको कैलकुलेट करता है और बाय और सेल्स के सिग्नल्स देता है। जब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है तो वो आपको एक बाय की एंट्री देता है और उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस की तरह ट्रेल करते जाते हैं। जैसे जैसे स्टॉक या कोई इंडेक्स ऊपर जाता है तो वो एक सुपर ट्रेंड होता है, वो भी ऊपर जाता रहता है, और जैसे रिवर्स आता है तो सुपर ट्रेंड यहाँ से फिर आपको सेल करना चाहिए, ऐसे इंडिकेशन देता रहता है। बट देन ऑफकोर्स सुपर ट्रेंड में जो नॉर्मल सेटिंग्स होती है उसको आप यूज़ करने वाले तो आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है और कोई पैसे बनने वाले नहीं है सुपर ट्रेंड में। इट इज़ वेरी चॉपी एंड वेरी वॉलेटाइल। उसका विन रेट शायद आप देखोगे तो बहुत ही कम होता है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का, क्योंकि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ट्रेंडिंग फेजेस में ही सबसे बेस्ट वर्क करता है और साइडवेज में बहुत ही खराब वर्क करता है। तो हम इसमें से कैसे पैसे कमा सकते हैं? तो सबसे पहले तो ट्रेंड्स जो होते हैं दोस्तों वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। अब इन डेप्थ तो मैं ट्रेंड्स के बारे में आपको बहुत यहाँ पे नहीं सिखाने वाला हूँ, बट देन मैं आपको एक बताता हूँ ट्रेंड्स का बेसिक, कि ट्रेंड जो होता है वो थोड़ा चॉपी होते होते ही ऊपर जाता है, चॉपी होते होते नीचे आता है, और हमें जब भी एक सुपर ट्रेंड यूज़ करना है या उसकी एक एवरेज ट्रू रेंज ATR वैल्यू है उसको इस तरीके से यूज़ करनी कि वो चॉपीनेस उसके ट्रेंड में एडजस्ट हो जाए, उसके वजह से हमें फेक सिग्नल्स नहीं मिले और जो प्रॉपर क्लियर ट्रेंड्स है वो हमारे हाथ में आने चाहिए। तो उस तरीके से हमें यूज़ करना है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। और इसको कैसे यूज़ करना है, तो जैसे आपको बताया निफ्टी के लिए स्ट्रेटेजी हमने डेवलप की है, दिस इज़ फॉर निफ्टी के चार्ट्स, जो एक इंडेक्स है निफ्टी की ट्रेडिंग के लिए, और ये है टोटली एक स्विंग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ये कोई इंट्राडे का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपको पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी, कब तक होल्ड करनी पड़ेगी? जितना ट्रेंड चल रहा है। तो कोई ऐसा बोलेंगे अच्छा 15 दिन चलेगा समझ में आता है, कभी 2 महीना ट्रेंड चल जाएगा तो 2 महीना ट्रेंड चल जाएगा तो आप समझ लो आपके हाथ में एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ चुका है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। उसमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं और खुश होने की ज़रूरत है अगर एक बड़ा ट्रेंड हाथ में आ गया तो। सो 15 दिन 20 दिन से लेके 1 महीना 2 महीना भी ट्रेंड्स चलते हैं, सो यू कैन जस्ट ट्रे, और आपको कुछ करना नहीं है, जो स्टॉप लॉसेस है वो भी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर खुद ही ट्रेल करता करता जाएगा, और जब एग्जिट करने का टाइम आएगा तब आपको खुद ही बताएगा कि अभी ये एग्जिट करने का टाइम आ गया। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, कोई भी सीख सकता है, एक बच्चा भी उसको ट्रेड कर सकता है, लेकिन उसकी कैसे उसको यूज़ करना है उसकी एक्चुअली ATR वैल्यूज़ पे है, जो इनबिल्ट ATR वैल्यूज़ आती है दोस्तों उससे आप ट्रेड करोगे तो कोई पैसे बनने वाले नहीं है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसको हमें निफ्टी पे यूज़ करना है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ये माउस से कर रहा हूँ मैं, तो निफ्टी पे करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर यूज़ करना है दोस्तों। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट हमें यूज़ करना है, 15 मिनट्स का, ये याद रख लेना। और निफ्टी के स्पॉट के प्राइस पे हमें चलाना है, फ्यूचर के प्राइस पे नहीं चलाना है, क्योंकि फ्यूचर का जो प्राइस होता है दोस्तों वो एक टाइप से सही डेटा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी नया फ्यूचर ओपन होता है तो वो कुछ ना कुछ प्रीमियम उसमें होता है और क्लोजिंग तक वो प्रीमियम धीरे धीरे कम होता जाता है। तो एग्जैक्टली जो ट्रेंड है निफ्टी का वो हमें निफ्टी के स्पॉट के चार्ट से मिलता है, फ्यूचर के चार्ट से नहीं मिलता है, तो हमें निफ्टी का स्पॉट का चार्ट यूज़ करना है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ये जैसे ट्रेडिंग व्यू है, सुपर ट्रेंड नॉर्मली आपको हर ऑलमोस्ट हर ब्रोकर के चार्टिंग प्लेटफॉर्म में मिलेगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं ट्रेडिंग व्यू तक आने की, लेकिन आपको एक खाली बता रहा हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स यूज़ करता हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें हम इंडिकेटर ऐड कर देंगे, सबसे पहले तो सुपर ट्रेंड, आप सुपर ट्रेंड सर्च करोगे तो सबसे पहला ही इंडिकेटर ऊपर जाएगा, ये आप देख रहे जो आ गया ये रेड और ग्रीन कलर की लाइंस बनाने लग गया, ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है दोस्तों। आप देखोगे तो ये अगर यहाँ से जहाँ से ग्रीन हो जाता है नीचे ये ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है, इसका मतलब ये बाय का सिग्नल है, और यहाँ पे आप ये देखोगे तो ये ऊपर रेड कलर की लाइन आ गई, इसने नीचे की जो लाइन थी वो तो मैं थोड़ा जूम करके बताने की ट्राई करता हूँ। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वर्क कैसे करता है खाली वो आपको पहले समझा रहा हूँ मैं, फिर हम इन डेप्थ स्ट्रेटेजी में जाएंगे। तो जैसे ही ये जो नीचे की आप लाइन देख रहे हो दोस्तों,
ये जैसे ही ब्रेक होती है तो उस ऊपर रेड कलर की लाइन बन जाती है और ये एक सेल का सिग्नल हो जाता है। कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे आना जरूरी है, विक करके अंदर चला गया तो नहीं होता है। कैंडल की क्लोजिंग ये लाइन के नीचे आ जाती है तो सेल का सिग्नल बन जाता है और फिर एक ATR की वैल्यू उसको नीचे की तरफ चेस करती करती जाती है, एक टाइप से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझ लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसा ही आप बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ये लाइन इधर ब्रेक हो जाती है, वापस आप देखोगे तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था यहाँ पे ब्रेक हुई तो नीचे इसने ग्रीन लाइन कर दी और ये एक बाय का सिग्नल होता है और यहाँ से ये ऊपर जाएगा। फिर जैसे ये वापस से ये जो ट्रेलिंग की लाइन थी यहाँ पे ये ब्रेक हो गई दोस्तों, तो ये एक सेल का सिग्नल हो गया। और इस तरीके से सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर वर्क करता है और ये शायद नॉर्मल सेटिंग्स हैं, 10.3 है। इसमें आप देखोगे तो सेटिंग में जाएंगे ATR लाइन 10 है और फैक्टर 3 है। कहीं कोई प्लेटफॉर्म में आपको 7 या 3 मिलेगा या कहीं पर 10 या 3 मिलता है, ये दो ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो हमें कौन सा यूज़ करना है मैं आपको वो बताता हूँ दोस्तों। इसमें जो ये सेटिंग्स हैं ये परफेक्टली नहीं यूज़ हो, ये परफेक्ट नहीं है, इस तरीके से यूज़ करोगे तो पैसे नहीं बनेंगे। तो हमें जो यूज़ करना है दोस्तों, जो फैक्टर है उसको 22 करना है और जो ATR लेंथ है उसको 4 कर देना है। ATR लेंथ जो है वो 4 रहेगा, फैक्टर जो है वो 22 रहेगा और ओके आप कर दोगे और कुछ करना नहीं है। एंड दिस इज ओनली अ लॉन्ग स्ट्रेटजी। अब मैं आपको बताता हूँ ओनली लॉन्ग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, कि जब भी बाय का सिग्नल आएगा आप बाय करोगे और जब भी सेल का सिग्नल आएगा आप खाली एग्जिट करोगे, आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करोगे। इस स्ट्रेटजी में आप खाली एग्जिट करोगे, शॉर्ट सेलिंग नहीं करोगे, शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। खाली जब बाय का सिग्नल आता है तो हमें बाय करना है, सेल का सिग्नल आता है तो हमारी बाय की पोजीशन को हम एग्जिट करते हैं और कुछ नहीं करते। फिर हम वेट करते हैं वापस से बाय का जब सिग्नल आता है तो हम वापस से बाय करते हैं और जब सेल का सिग्नल आता है तो हम वापस से एग्जिट करते हैं। दिस इज ओनली अ लॉन्ग स्ट्रेटजी, इसको ओनली लॉन्ग बोलते हैं, ओनली लॉन्ग। कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, इसमें ओनली लॉन्ग स्ट्रेटजी है। तो हम शॉर्ट सेलिंग की तरफ नहीं देखेंगे, जब भी बाय का सिग्नल आएगा हम बाय करेंगे और जब भी सेल का सिग्नल आएगा हम एग्जिट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं करते हैं, सिर्फ बाइंग करते हैं, लॉन्ग साइड के ही ट्रेड्स लेते हैं और कोई ट्रेड्स लेते ही नहीं है ये स्ट्रेटजी में। आई होप काफ़ी क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाया। सो ये दोस्तों आप देखोगे तो मैंने चार्ट पे सुपर ट्रेंड प्लॉट कर लिया है जिसकी जो वैल्यूज़ है आपको मैं दिखा चुका हूँ, एक और बार दिखा देता हूँ। फैक्टर 22 है और ATR लेंथ है वो 4 है। फैक्टर 22, ATR लेंथ 4। अब मैं आपको दोस्तों इसका पूरा हम पुराना चार्ट देखते हैं। मेरा तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन है इसलिए इसमें तो काफ़ी पुराने तक भी 2-3 साल पुराने के चार्ट्स होते हैं, शायद आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म में नहीं होते होंगे। जो फ्री वर्जन होता है ट्रेडिंग व्यू का उसमें नहीं होता है, या कोई ब्रोकर के जो चार्ट होते हैं शायद उसमें इतने पुराने डेटा नहीं मिलेंगे। सो आप देखोगे हम कहाँ पहुँचे हैं, फेब्रुअरी 2019 में पहुँचे हैं। तो फेब्रुअरी 2019 से लेके आज जब तक मैं ये शूट कर रहा हूँ, वेबिनार बना रहा हूँ आप लोग के लिए, इट्स 19th May 2022। तो ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा का डेटा है हमारे पास, ऐसा हम बोल सकते हैं, 3.5-3 साल के आसपास का। तो ये 3.5-3 साल में स्ट्रेटजी ने कैसे परफॉर्म किया है मैं आपको वो बताता हूँ। इधर आप देखोगे तो ये एक बाय का सिग्नल था दोस्तों, इधर बाय का सिग्नल था, फिर मार्केट ऊपर नीचे जो होता है होने दीजिए। जब तक सुपर ट्रेंड आपको सेल का सिग्नल नहीं देता है आपको एग्जिट नहीं करना है। और इधर आप देखोगे तो फाइनली इसने सेल का सिग्नल दिया तो यहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस क्लोज कर देनी है और कुछ नहीं करना है, वापस से वेट करना है हमें बाय की पोजीशन का। तो ये नीचे गया थोड़ा और फिर उसके बाद वापस से आप देखोगे तो इधर आपको एक बहुत बड़ा गैप अप था और फाइनली इधर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, बाइंग के लिए सुपर ट्रेंड ने आपको बताया। सो इधर आप देखोगे तो धीरे 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 चॉपी हुआ जो भी हुआ और यहाँ पे इसने आपको सेल का सिग्नल दिया। तो ये भी आप देखोगे तो ट्रेड इट वाज ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल, बैरली प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, 112 पॉइंट मिले थे निफ्टी में खाली। ठीक है, छोटे नहीं होते हैं, कुछ भी पैसा बना था तो अच्छा ही है। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी गाइस। तो आप खुद मैन्युअली भी बैकटेस्ट कर सकते हैं, पर हमें मैन्युअली बैकटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो कर चुका हूँ। तो जब भी आपको, लेकिन मैं आपको पूरा एक प्रॉपर इसका बैकटेस्ट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, बस मैंने आपको बोल दिया इस तरीके से करो, ये स्ट्रेटजी अच्छी है तो आपको नहीं करना है। मैं आपको बैकटेस्ट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, फिर आप खुद भी बैकटेस्ट करना, आपको अच्छा लगता है तो ही आपको इसको यूज़ करना है दोस्तों। तो ये जितने भी बाइंग के सिग्नल मिलते हैं हमें बाय करना है, सेल का सिग्नल मिलता है हमें कुछ नहीं करना है, एग्जिट करना है खाली पोजिशन, कुछ नहीं करना है नहीं, एग्जिट करनी है हमारी बाइंग की पोजिशन पर, नया शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, वापस से वेट करना है। जब भी बाय का पोजिशन उनका अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा तो हमें बाय करना है। इधर जैसे ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली हम बाय करेंगे, इसने बोला सेल तो हम एग्जिट कर देंगे, इधर इसने बोला बाय करो
तो हम बाय करेंगे, और फिर इधर इसने बोला एग्जिट करो तो हम सेल करो, तो हम एग्जिट करेंगे, खाली सेल नहीं करेंगे एग्जिट करेंगे। सो इट इज ओनली अ लॉन्ग स्ट्रेटजी एग्जिट। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा दोस्तों, और ये इसका आप पूरा चार्ट देख सकते हैं खुद भी आराम से अपने लैपटॉप में खोल के, जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई है ये सेटिंग्स यूज़ करनी है, एटीआर लेंथ 4 और फैक्टर 22, कितने पैसे बने हैं पिछले 3 साल में, बैकटेस्ट का क्या रिपोर्ट है, वो हर चीज़ आपके अंदर मैं शेयर करूंगा, तो और मज़ा आएगी। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ करना नहीं है, कोई प्राइस एक्शन यूज नहीं करना है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है। एक छोटा सा छोटा बच्चा जो होगा वो भी देख सकता है, आपको बता सकता है कि ये बाय करने की जगह है और ये सेल करने की जगह है, कोई और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो मैं चाहूँ ना तो इसमें 2-3 सुपर ट्रेंड ऐड कर दूंगा, और बोलूँगा जब तीनों बाय बोलेंगे तभी ही बाय करना चाहिए, जब तीनों सेल बोलेंगे तभी ही सेल करना चाहिए। इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, बट देन आई डोंट थिंक मुझे कॉम्प्लिकेट करना है कोई चीज़ों को, क्योंकि मैं सिंप्लिसिटी खुद बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। कोई ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें थोड़ा पैसा जो बन रहा है उससे ज़्यादा बन सकता है कॉम्प्लिकेशन डाल के, तो मैं वो नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा कम बनाता हूँ बस सिंप्लिसिटी रखता हूँ, क्योंकि सिंप्लिसिटी होती है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होता है दोस्तों। आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, मेरे को 10 साल हो गया ट्रेड करते हुए, 10 साल से ज़्यादा हो गए, 2007 में मैंने शुरू किया था, 2022 ऑलमोस्ट 15 साल होने आए, और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है वो एग्जीक्यूशन में बहुत आपको डिफिकल्टी होगी, एग्जीक्यूट इतना अच्छे तरीके से नहीं होता, जो सिंपल होता है तो एग्जीक्यूशन और अच्छा होता है। तो एकदम सिंपल है, सिंगल सुपर ट्रेंड है जो आपको सेटिंग्स बता दी वो यूज़ करना है, और ये जो स्ट्रेटजी है वो ओनली फॉर निफ्टी है, आपको सिर्फ निफ्टी में यूज़ करना है, कोई स्टॉक्स के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंडेक्स जैसे इंडेक्स है इसकी वॉलेटिलिटी अलग है, इसकी वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमें पता है कि ये सेटिंग इसमें सबसे बेस्ट वर्क करती है। अब कोई स्टॉक होगा तो वो इससे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इंडेक्स और स्टॉक की वॉलेटिलिटी में फ़र्क होती है, तो ये सेटिंग्स आप स्टॉक में यूज़ करोगे तो ये उसमें वर्क नहीं करने वाला है, दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल स्ट्रेटजी, सो दिस इज़ फॉर अ निफ्टी ओनली, और निफ्टी में आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके बैकटेस्ट के रिपोर्ट्स की बातें करता हूँ, तो ये मैंने एक इसका स्ट्रेटजी टेस्टर बनाया है, आप देखोगे तो TT के प्राइवेट निफ्टी बैंक निफ्टी राइडर, एक्चुअली बैंक निफ्टी का अलग है, अब बैंक निफ्टी के यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो हम खाली निफ्टी की बातें कर रहे हैं, तो ये सेटिंग्स मैं आपको निफ्टी के लिए बता रहा हूँ। तो ये टोटली उस तरीके का ही है, आप देखोगे जहाँ पे भी इसने बाइंग का सिग्नल दिया ये ग्रीन हो गया, इसने सेल बोला तो आपने पोजीशन एग्जिट कर दिया और कुछ नहीं किया, पोजीशन एग्जिट करके बैठ गया, वापस इसने जब बाइंग बोला तो बाई किए हो, और इसने जब बोला कि सेल तो आप पोजीशन एग्जिट करते हो, और ये 2019 जो हमने देखा वहाँ से इसका डेटा है। अब मैं आपको इसका बैकटेस्ट का रिपोर्ट दिखाता हूँ दोस्तों, तो ओके इधर से इसका डेटा है फरवरी से। अब ये स्ट्रेटजी टेस्टर में हम जाते हैं और इसमें कुछ सेटिंग्स हम कर देते हैं, 4 और ATR पीरियड 4 मल्टीप्लायर 22 जैसा होता है वैसे ही, और डेट हम डाल देते हैं 2019 फरवरी, क्योंकि फरवरी से हमारे पास डेटा है, 5 फरवरी से, तो 5 फरवरी 2019 से हम टेस्ट करेंगे, और टेस्ट कब करेंगे, अभी 2022 चल रहा है, डे है 19th और मंथ है 5th। ओके तो ये इसकी मैं सेटिंग्स डाल दी, प्रॉपर्टीज़ में हम ऐसा एक अज्यूम कर लेते हैं कि आपका कैपिटल शायद ज़्यादा नहीं है, 10 लाख रुपीज़ है, और आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, तो इसलिए आप 10 लाख रुपीज़ में 10 लॉट्स भी शायद आप बाय कर सकते हो, पर 10 लॉट्स आप जाके बाय नहीं करोगे, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आप 8 लॉट्स में काम करते हो, तो हम 400 क्वांटिटीज़ यूज़ कर लेते हैं इसमें, और इसमें हम कमीशन भी गिनेंगे, जो ब्रोकरेजेस लगती हैं और जो गवर्नमेंट के STT GST वो हर चीज़ आप गिनोगे तो अप्रोक्स 0.05% ऑफ द ट्रेड वैल्यू होता है, 0.015%, तो वो भी मैं हम इसमें गिन लेंगे कि हमें कितना ब्रोकरेजेस लग रही है वो हर चीज़ गिनेंगे, और फिर आप देखोगे तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और इसका परफॉर्मेंस समरी निकालते हैं। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये ओवरऑल तो ऊपर ही जा रहा है, एक्चुअली बहुत स्मूथ ऊपर जाएगा, इतने ड्रॉडाउंस नहीं होंगे, क्योंकि ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को गिन रहा है, हम लोग खाली लॉन्ग करेंगे शॉर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, तो मैं आपको परफॉर्मेंस समरी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये इसका बैकटेस्ट रिपोर्ट है, अब नेट प्रॉफिट देखोगे तो 10 लाख के अकाउंट में अगर आपने ये 3 साल से स्ट्रेटजी को यूज़ किया होता और कोई अपने कंपाउंडिंग नहीं यूज़ किया होता, 3 साल में भले आपके कितने भी पैसे बनते गए, आप वो 8 लॉट से ही ट्रेड कर रहे थे, पैसे आप निकाल निकाल के विड्रॉ करके मजे कर रहे थे, घूम फिर के आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अकाउंट में 10 के 10 लाख ही रहने दिए आपने हमेशा, तो 30 लाख रुपीज़ आपने बनाए हैं इस स्ट्रेटजी से, 30,50,000 रुपीज़ 3 साल में, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर हम ऐसा बोल सकते हैं 10 लाख से 10 लाख रुपये बने, और ये नेट प्रॉफिट है।
और फिर इसके बाद और जो चीज़ें आपको इसमें दिखानी है मुझे वो दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं प्रॉफिट फैक्टर, मैं आपको इस साइड का क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें ये ऑल आता है जो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को गिनता है, और ये खाली लॉन्ग ट्रेड्स का बैकटेस्ट रिपोर्ट है और ये खाली शॉर्ट ट्रेड्स का। तो शॉर्ट हमें करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना है वो भी बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि देखो आपको बताऊं तो जो मार्केट होता है जैसे निफ्टी है वो एक इंडेक्स है और वो अप ट्रेंड में जाने के लिए बना है। तो जब भी बड़े मूव्स आएंगे वो अप ट्रेंड के साइड ही आएंगे, क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ जाना है, और अभी तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि निफ्टी जहाँ से पैदा हुई अभी तो शायद हम इधर भी नहीं पहुँचे, अभी तो बहुत लंबा जाना है, ऊपर नीचे होके जाएगा बट देन जाना बहुत लंबा है। सो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो हमेशा ऐसे ऐसे जाता है। तो आप देखोगे तो ये जो नीचे के मूव्स होते हैं दोस्तों वो छोटे होते हैं, ये वाले मूव्स बड़े होते हैं, हमें ये मूव्स चाहिए, ये छोटे मूव्स नहीं चाहिए, ये वाले मूव्स चाहिए, ये छोटे मूव्स नहीं चाहिए, ये बड़े वाले मूव्स चाहिए। तो दैट इज द वे ट्रेंड्स वर्क। तो इसके लिए शॉर्ट में इतने पैसे बनने वाले नहीं है अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करने वाले, क्योंकि जो चीज़ अप ट्रेंड के लिए बनी है और अप ट्रेंड में जानी है उसको आप शॉर्ट सेल कर करके थक जाओगे, क्योंकि वो मूव्स बहुत छोटे आएंगे, वो मूव्स क्विक आते हैं पर इतने बड़े नहीं होते, बहुत वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब अगर बड़े मूव्स आ भी जाते हैं तो रिकवरी भी इतनी स्पीड से होती है कि आप प्रॉफिट उसमें से एक हैंडसम प्रॉफिट ATR के थ्रू निकाल नहीं सकते हो, वो फिर आपको अंदाजे से आपने बॉटम पकड़ लिया, अरे मेरे को लग रहा है बहुत गिर गया निकल गए, पर लगने वगने की काम हम करते ही नहीं, हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच से ही ट्रेड करते हैं। मैं खुद कभी लगने वाला काम करता नहीं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच ही यूज़ करता हूँ। खुद का पैसा लगाना है तो पैसा हमेशा एक सिस्टमेटिक अप्रोच से लगता है, किसी के लगने से तो पैसा नहीं लगाया जाता है। इट्स अबाउट मनी, सो यू शुड नॉट ट्रेड लगने पे, वरना कभी ज़िंदगी में बहुत बुरी लगती रहेगी। एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो एक स्ट्रैटेजी है, बैकटेस्ट रिपोर्ट अच्छा है, प्रोबेबिलिटी विंस की ज़्यादा है, तो उसमें मनी मैनेजमेंट करके आप धीरे धीरे ट्रेड करते हैं तो पैसे बनते हैं। ओके, सो प्रॉफिट फैक्टर देखते हैं दोस्तों। तो इसका बहुत ही बढ़िया है, 20.8 है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। इतना बड़ा प्रॉफिट फैक्टर वाली स्ट्रेटेजी आपको शायद कहीं जल्दी देखने भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैंने ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी 2 या 3 ही स्ट्रेटेजीज देखी है जो जिनका प्रॉफिट फैक्टर 10 से ऊपर होता है। ऐसा 2-3 स्ट्रेटेजी मैंने अपनी लाइफ में देखी है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी जिसका मुझे रिपोर्ट में दिख रहा है प्रॉफिट फैक्टर इतना बड़ा। ओके, इसका ड्रॉडाउन या एक ड्रॉबैक ये बोल सकते हैं कि ट्रेड्स कम मिलते हैं, कोई बोलेगा ट्रेड्स कम मिलते हैं, तो ठीक है जब ट्रेड्स मिलते हैं तब इसको यूज़ करो, जब नहीं मिलते तब आपके जो दूसरी स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ करो, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। और ये कमीशन पेड 28,000, जो 3 साल में आपने निफ्टी बाय एग्जिट किया था, जो ब्रोकरेज और GST और STT और सब जो लगा आपको कितना लगा, तो अप्रॉक्स 28,000 रुपीज़ लगा। और इसमें आपको जो ट्रेड्स मिले टोटल वो 18 ट्रेड्स मिले, जिसमें यदि 15 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल रहे, 3 ट्रेड्स में आपका लॉस हुआ है, और परसेंटेज ऑफ विन देखोगे तो 83.33%, जो आपने इस वेबिनार में ज्वाइन करने से पहले आपने सुना था कि 83.3% विन रेशियो वाली कौन सी स्ट्रैटेजी है, वो ये स्ट्रैटेजी है। और ये बैकटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने है, और ये रिपोर्ट बिल्कुल झूठा नहीं है, आप खुद अपने चार्ट पे जाके बैकटेस्ट भी कर सकते हो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। सो दिस इज अ 83.33% विनिंग स्ट्रैटेजी ओनली लॉन्ग। शॉर्ट में देखोगे तो बहुत खराब विन रेशियो है, 22% है। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया शॉर्ट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, प्रॉफिट बुक हो उससे पहले वापस से क्विकली मार्केट ऊपर आ जाता है, और उसमें मूव्स भी छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। ठीक है, कोविड का फॉल था वो बहुत बड़ा मूव था, ऐसे फॉल्स रोज आने वाले हैं ऐसा हम अज्यूम नहीं करते, इसलिए हम शॉर्ट साइड पर स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं करते। और 83% का विन रेशियो है। और दूसरी बात कि आप ये देखोगे एवरेज रेशियो, एवरेज विनिंग टू एवरेज लॉस, मतलब रिस्क रिवॉर्ड आप बोल सकते हो, वो कितना है इसका, तो वो है ये 4.1, मतलब ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड से भी ज़्यादा है, 1:4 जिसको हम बोलते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये देखो, जैसे ये आप देखोगे एवरेज विनिंग ट्रेड और एवरेज लूजिंग ट्रेड वो कितना है वो हम देख लेते हैं। तो जो एवरेज विनिंग ट्रेड है ये 8 लॉट्स के हिसाब से, 10 लैक्स अगर आप कैपिटल रखते हो 8 लॉट्स में आप ट्रेड करते हो, तो एवरेज विनिंग ट्रेड है 2,13,000 रुपीज़। एक ट्रेड आपकी विनर होती है तो एवरेज, कोई ज़्यादा भी कमाती है कोई कम, एवरेज 2,13,000 का लेके आती है। और जब स्टॉप लॉस हिट होता है ऑन एन एवरेज, अब कभी 20,000 होगा कभी 80,000 होगा, तो ऑन एन एवरेज 51,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट होता है ऑन एन एवरेज। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे या विन टू लूजिंग रेशियो, तो इट इज़ मोर देन 1:4 का रेस रिवॉर्ड से ज़्यादा मिलता है आपको। सो दोस्तों ये बैक टेस्ट रिपोर्ट है टोटली इस स्ट्रैटेजी का।